तो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों आई एम रियली सॉरी, मेरे घर के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हो सकता है उसकी बड़े अजीब सी आपको नॉइज़ आ रही हो। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों मेंटा दीदी करवा चौथ की तैयारी दिखा दीजिए, क्या क्या कर लिया है, क्या क्या करने वाली हैं, और क्या क्या शॉपिंग की है इस बार। सो देखिए, शॉपिंग तो मैंने बहुत ज़्यादा इस बार नहीं की, इसलिए नहीं की कि रिसेंटली मैंने अपने एनिवर्सरी पर इतनी शॉपिंग कर ली थी कि कोई गुंजाइश बची नहीं थी शॉपिंग की। और उसके बाद इतना साड़ी वाड़ी मुझे एनिवर्सरी गेट बंद कर दे, बहुत गंदी आवाज़ आ रही है। इतनी साड़ी मुझे अपने एनिवर्सरी पर मिल गई थी, आपने देखा होगा मैंने जो है वीडियो शेयर किया था गिफ्ट हॉल वाला। तो ऑलमोस्ट इतने कपड़े थे कि मेरे कपड़े लेने का ना पता नहीं क्यों कोई मन ही नहीं कर रहा था। सो मैंने जो बेसिक शॉपिंग की है, जो मैं करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ब्लू कलर के, ये रॉयल ब्लू कलर के बहुत सुंदर से कंगन है, मुझे इसका एक शेड लेना था। आप देख रहे हैं जितना प्यारा कलर दिख रहा है, एक्चुअली इतना ही प्यारा कंगन है। सो ये 100 का जो है वो पेयर आया है, और ये कंगन मैंने ख़रीदे, बहुत सुंदर क्रिस्टल लुक आता है इनका, बहुत सुंदर लगते हैं ये। मैं आपको हाथ में डाल के दिखाती हूँ। तो ये मुझे हस्बैंड ने दिलाए सारे कंगन। चूड़ियाँ तो मैं बहुत कम लेती हूँ, और त्यौहार पर ले लेती हूँ, चढ़ाने वाली फिर नहीं लेती हूँ। तो ये मैंने देखी कितने सुंदर लग रहे हैं, एक्चुअली जितने सुंदर दिख रहे हैं ना उतने ही सुंदर कंगन जो है वो ये हैं। तो ये मैंने एक कंगन परचेस किया, ये मैं आपको दिखा दूँ, और उसके बाद क्या लिया वो दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने ये कंगन मिले, इनके प्राइस मुझे नहीं याद है, शायद आपको याद है, नहीं याद है ना, इनको भी नहीं याद है। ये मैंने रोज़ गोल्ड में कंगन लिया, और जब मैं घर आई तो हस्बैंड बोले कि यार तुमको एक पेयर और ले लेना चाहिए था। सो अब मैं जब जाऊंगी ना मार्केट तो इनका एक पेयर और लेकर आऊंगी। और ये बहुत सुंदर है, ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर हैं ये, एक्चुअली जितने सुंदर दिख रहे हैं इसे कहीं ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर कंगन है ये। तो ये मैं अभी दो और लूँगी, वैसे मैं दो ही लेकर आई थी। तो इस तरीके के रोज़ गोल्ड हैं, देखिए कितने ब्लिंगी हैं ये, और ये वैसा नहीं है कि काले पीले पड़ जाएंगे, बहुत सुंदर कंगन है। हाथ में आप सिंगल पहनेंगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा, और देखिए कुछ उभरे हुए से कंगन जो होते हैं ना उनका लुक बहुत अच्छा आता है। सो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने एक पेयर ख़रीदा इस करवा चौथ पर, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया। तो कंगन चूड़ी की काफ़ी वैरायटी मैंने जो है वो परचेज़ की इस बार अच्छा लग रहा है मुझे। और इसके बाद इस टाइप के बॉक्स में सारे कंगन आ गए थे मेरे। इस टाइप के बाद मैंने एक पेयर और ख़रीदा है, और यहाँ मैंने काफ़ी टाइम से कंगन नहीं खरीदे थे, सो मैंने मुझे लगा ले लेती हूँ। और ये फिर से ट्रेंड में आए हैं झुमकी वाले, तो ये मैंने कंगन खरीदे और ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। ये देखें आप जितने सुंदर ये दिख रहे हैं, ये एक्चुअल इतने ही सुंदर है। साइड में इनमें पर लगा हुआ, कितने खूबसूरत कंगन है ये, ओ माय गॉड, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने इन्हें भी परचेज़ किया, और साइड से इनका लुक जो है ना वो कुछ ऐसा सा आता है। और ये इसमें लगी है एक झुमकी, ठीक है, क्वालिटी बहुत फाइन है इसकी, ऐसा नहीं कि बहुत चीप क्वालिटी, क्वालिटी बहुत फाइन है। मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। सो सिंगल भी पहनेंगे ना तो भी बहुत सुंदर लगेगा, ये देखिए सिंगल भी बहुत प्यारा लग रहा है, और डबल पहनेंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा। तो ये मैंने जो है लिए दो, मतलब एक सेट खरीदा दो कंगन का, सो मुझे बहुत सुंदर लगे थे। और उनके पास ना बहुत लटकन में वैरायटी थी, बहुत वैरायटी वाले कंगन थे लटकन में, मैं क्या ही बताऊँ, इतने कंगन थे लटकन में कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। बट मैंने कहा मुझे छोटी छोटी लटकन चाहिए, वो बड़ी वाली ना फंस जाती है, तो फिर मैंने छोटी छोटी ली। उसके बाद मैंने एक जोड़ी कंगन और लिए, ये मेरे पास पहले थे बट वो ना मेरी एक हैं भाभी, उन्होंने मुझसे ले लिए जब मैं घर गई थी, तो उन्होंने मुझसे मांग लिया, तो फिर मेरे पास ना उस टाइप के बचे नहीं। तो ये मैंने, ये बहुत कॉमन है, आपको मिल जाएंगे बहुत सारी जगह। तो ये वाले जो कंगन आप देख रहे हैं ना कुंदन के, ये कंगन मैंने ख़रीदे, और इनकी क्वालिटी भी बहुत बहुत सुंदर थी। और अब मैं आपको बताती हूँ इनका प्राइस। तो ये वाले जो कंगन हैं, ये देख रहे हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं, क्वालिटी अंदर से भी इनकी बहुत फाइन है, सिंगल पहनेंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा, ये देखें बिल्कुल ऐसा, और डबल पहनेंगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। सो ये वाले कंगन मुझे 150 रुपये का पेयर पड़ा हुआ है, 150 का जो है पेयर दिया इन्होंने, और ये वाला जो है, ये वाला पेयर जो था वो 200 का था, और ये 100 रुपये के थे, और ये वाला जो पेयर है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, ये 500 के दो मिले मुझे, 1000 के चार थे। तो मैं इनको जो लेकर आऊँगी, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। तो ऐसे से दोस्तों ये मैंने कुछ कंगन खरीदे, मेरे ट्राइपॉड पर पता नहीं क्या हो जाता, मौत आ जाती इसको तो एकदम से, ठीक है। और उसके बाद मैंने दो पोची खरीदी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसी राजस्थानी टाइप की हैं ये, वैसे मेरे पास इससे भी सुंदर पोची दो हैं, बट मुझे ये भी अच्छी लगी तो मैंने ये भी ले ली। तो हस्बैंड ने मुझे ये भी दिलाई,
कितना मज़ा आता है जब आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। सो इस तरीके से इस पे अंदर से जो है वो वेलवेट लगी हुई है और बाहर से जो है ऐसे गोल्डन कलर के ये हैं। सो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। थोड़ा सा इसको कस दीजिए यार, ए कस दीजिए इसको थोड़ा सा, ये ना कसा नहीं रहा, पता नहीं क्या होगा इसको, थोड़ा सा इसे अच्छे से कस दीजिए, ऐसे कसिए इसको। हाँ तो ये हाथ पे पहनने पे ना कुछ ऐसा सा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो ये मैंने ख़रीदा और ये मुझे शायद 150 रुपये का पेयर पड़ा है या 200 का, ऐसे ही कुछ आया मुझे ठीक से याद नहीं। बट ये आपको ना ऑनलाइन भी मिल जाएंगे तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लोकल मार्केट में ना मिले ना तो मीशो वगैरह पर आप करिएगा तो आपको मिल जाएंगी। तो ये एक मैंने ख़रीदा, तो ये तो मैंने अपने करवा चौथ पे कुछ शॉपिंग की, ठीक है। बगैर के और मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, जो चूँकि मैं बता रही हूँ मेरी रिसेंटली जो है वो एनिवर्सरी मैंने बहुत शॉपिंग कर डाली थी, क्योंकि हस्बैंड ने एनिवर्सरी की पार्टी दी थी इसलिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर डाली थी। अब मैं क्या पहन रही हूँ वो मैं आपको दिखाती। सो सबसे पहले तो आपने देख लिए मेरे बैंगल कि इनमें मैंने क्या क्या ख़रीदा और मैं क्या क्या पहन रही हूँ। सो ये मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैंने काफ़ी सारे ऑप्शन रखे हुए हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं कपड़े की तरफ, तो कि मैं कपड़े क्या पहन रही हूँ। सो मैं इस करवा चौथ पे अपना ये पिंक कलर का जो है लहंगा साड़ी का जो ड्रेस है ये पहनूंगी। और इसका अगर आपको फुल रिव्यू देखना हो तो मैंने वीडियो शेयर की हुई है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। बहुत 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 सुंदर साड़ी है ये, अंदर से लहंगा है ये, बाहर बाहर से आप देख रहे हैं। और ये इसके साथ ब्लाउज़ है, मैंने इसे ड्राई क्लीन करा लिया है, सो मैं इसी को पहन रही हूँ। बहुत सुंदर सा इसका ब्लाउज़ है, बहुत सुंदर, मैं भी आपको दिखाती। और ये ऐसा ही आया था ब्लाउज़, बस मैंने इसे बनवाया है। तो ये तो है इसके फ्रंट पर एकदम प्लेन है और ये है इसके बैक का लुक जो कि बहुत सुंदर है। तो ऐसा सा जो है वो मेरा ब्लाउज़ है, इसे जो है मैं करवा चौथ पर पहन रही हूँ। और इसलिए भी कि इसकी मैचिंग की मेरे पास ज्वेलरी रखी है। अब हम चलते हैं हस्बैंड के ओपिनियन की तरफ कि मैं क्या पहनूंगी, वही डिसाइड करते हैं। अच्छा हाँ ये है, पता मेरे से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप ऐसे बोलती हैं कि हस्बैंड तय करेंगे, हस्बैंड तय करेंगे, तो क्या सब कुछ आपके हस्बैंड ही तय करते हैं आप क्या पहनती हैं? हाँ ये सच है, यही तय करते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैं जब कपड़े लेने जाती हूँ तो ऑलमोस्ट टाइम ऐसा होता है कि मैं अपने लिए कंफ्यूज हो जाती हूँ, यही मेरे लिए कपड़े पसंद करते हैं। जो मैंने एनिवर्सरी पे पिंक वाली साड़ी पहनी था, मैं उसको लेने में बहुत डर रही थी क्योंकि मुझे पिंक कलर पर्सनली नहीं पसंद है, तो वो साड़ी भी इन्हीं ने मुझे पसंद की थी। इनफैक्ट ये साड़ी भी मुझे इन्होंने ही पसंद करके दिलाई, बल्कि मैं मना कर रही थी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद आता ये कलर, फिर भी उन्होंने कहा नहीं श्रेया तुम पहनोगी बहुत सुंदर लगोगी। सो ऑलमोस्ट इनके कपड़ों की पसंद मुझसे बहुत बेहतर है, तो मैं जो भी पहनती हूँ, जैसे मुझे कहीं जाना है और मुझे कुछ अच्छा सा पहनना है तो फिर यही मेरे लिए डिसाइड करके निकाल के देते हैं कि तुम ये पहनो इसमें बहुत अच्छी लगोगी, क्यों है ना। हाँ तो मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए करते हैं। हाँ अब मैं अभी आप समझ सकते हैं कि मैं अपने हस्बैंड की बाबू हूँ एक तरीके से, मैं सब मुझे बेचारे पसंद कर करके देते हैं। तो अब मैंने बहुत सारे ऑप्शन निकाले, कंगन मैंने आपको दिखाई दिए, सारे कंगन मैं पहनूंगी। सो इसके लिए आइए आइए, अब आपका आपका मेन काम है, अब मेरे हस्बैंड का काम शुरू हुआ। सो मैंने ऑप्शन निकाल के रख दिया, अब जो हस्बैंड कहेंगे बस वही मैं पहन लूँगी। तो आइए बैठिए, इधर बैठिए, इधर बैठिए आप बैठिए। तो मैंने निकाले हैं कई सारे ऑप्शन, ठीक है, बैठो, बैठा बैठा। तो देखिए आर्टिफिशियल में मैंने ना ये पायल निकाली है, ये पायल बहुत सुंदर है, ठीक है, याद है पूरी पायल, हाँ हस्बैंड को याद है। और ये मैंने नेकलेस निकाला हुआ है, ये इस ड्रेस के साथ जो मैं लहंगा साड़ी पहनूंगी उसमें चल जाएगा, क्योंकि इसमें डार्क जो है पिंक कलर है, उसमें मेरा मरून ब्लाउज है और ये इसमें एक रिंग है और ये है दो इयर रिंग, ठीक है, दो अंगूठी। तो एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है, चूड़ी में मैं कंगन पहनूंगी और फिर हो सकता है कि पिंक को अवॉइड करके मैं ये वाले कंगन पहन लूँ, सारी चूड़ियाँ ये वाली मुझे बहुत बहुत सुंदर लग रही हैं। आपको कैसी लग रही हैं? अच्छी ये लगी। और अगर ये नहीं पहनूंगी, अगर दिमाग थोड़ा सा सनक जाएगा तो उसके हो सकता है फिर मैं यही दो कंगन पहन लूँ। और जो मैंने कंगन खरीदे इनके लिए लोग मुझसे बहुत पूछते हैं दीदी कहाँ से लिए, मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है इसका कंप्लीट लिंक विंक सब दिया, वहाँ जाके चेक जरूर करिएगा, बहुत सुंदर कंगन है ये। आपको कैसे लगते हैं? अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे पास जो चीज़ें ऑलमोस्ट मैं ऑनलाइन भी खरीदती हूँ उनको पहले दिखा देती हूँ, जब ये बोलते हैं मंगा लो तो मंगाती, नहीं तो नहीं मंगाती, ठीक है। तो एक तो ये तो आर्टिफिशियल का ऑप्शन हो गया, ठीक है। और अगर अब दूसरी तरफ चलते हैं तो ये पायल पहनूंगी, अगर वो मना कर देंगे तो फिर ये मेरी मम्मी की पायल है, तो मेरी सास की पायल है ये, तो ये मैं पहनूंगी। देखिए पुरानी चांदी कितनी बढ़िया होती है, अब भी एकदम चमचमा रही है, बस इसे थोड़ा धुलने की ज़रूरत है। तो ये जो है वो मैं पायल पहनूंगी। इसके बाद ये वाले मैंने कंगन निकाले, थोड़े हल्के हैं चूँकि तुरंत उतारा नहीं जाता, तो ये वाले मैंने कल्याण वाले कंगन निकाले हैं। देखें तो कैसे लग रहे हैं दोस्तों, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किए थे,
तो कोई फंक्शन था शायद, उसमें गिफ्ट दिए थे, है ना। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा अगर गोल्ड की तरफ ऑप्शन आएगा तो फिर ये ऑप्शन है। तो गोल्ड में हमारे पास एक ये मैंने ऑप्शन अपना निकाला हुआ है। मुझे एकदम से गोल्ड नहीं पहनना था, सो मैंने ये दागीने वाला सेट अपना निकाल लिया एक। और ये है मेरी शादी की नथ। लोग मुझसे बहुत कहते दीदी एक बार अच्छे से दिखा दीजिए, आपकी नथ बहुत अच्छी लगती है। तो कहीं किसी ने शायद देखी है, किसी पूछा, मुझे याद नहीं आ रहा। सो ये है, बहुत सिंपल सी, कुछ नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है इसमें, फिर भी पता नहीं कि लोगों को बहुत पसंद आती है। बहुत सिंपल सी नथ है ये, देखो हमने इसका ये निकाल दिया। लगा दूँ मैं इसे, फिर दिखाती हूँ। आजकल एक्चुअली मेरे अंदर कुछ सनीचर आ गया है, मेरे से ना गोल्ड की चीज़ें बहुत गड़बड़ हो रही है। मेरा एक मंगलसूत्र भी मुझसे जो है गड़बड़ हो गया, खैर अभी रखा हुआ है, बनवाया नहीं मैंने, जल्दी बनवाऊंगी मैं उसे। तो ये है मेरी नथ, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं इसमें, बस एक ये बड़ा सा बिंदा टाइप का बना हुआ है और ये एक पिंक कलर का इसमें लटका हुआ है, और बस सिंपल वायर है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और इसकी, हाँ ये जो लड़ी है ये मैंने अपने तरीके से डिज़ाइन करवाई थी, तो ये मोती मैंने अपनी तरीके से डिज़ाइन करवा के लगाए थे। दुकान वाले पता है लाल लग के लगा के लगा मैं कहा बिल्कुल लाल मत लगाओ भैया, तुम सिंपल से लगाओ। तो ये मोती मैंने लगवाए थे। ये मेरी बहुत 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 सोबर सी नथ है, तो लोगों को बहुत पसंद आती है, तो थैंक यू सो मच। तो ये तो मैं ज़रूरी पहनूंगी क्योंकि ये तो मेरी शादी की है, और दूसरा क्या, ये मेरे लहंगे से भी मैच करती है। उसके बाद एक मैंने ये हार निकाला है, तनिष्क वाला, ठीक है। सो ये इस हार के लिए मैं, मुझसे किसी ने पूछा था एनिवर्सरी की, मेरी किसी ने फोटो देखी थी। सो जी हाँ, ये गोल्ड का ही है। और ये अब वेट मैं नहीं बताऊंगी इसका थोड़ा सा, ये दागिने का सेट है। और यही एक सेट मेरे पास ऐसा है जिसमें थोड़े से दागिने लगे, नहीं तो मेरे पास हर चीज़ बहुत जो है वो सिंपल सोबर सी। सो ये देखें, ये तो कुछ लोगों का कमेंट था कि दीदी समझ में नहीं आ पा रहा प्योर गोल्ड है कि नहीं। हाँ जी ये देख लें आप, प्योर गोल्ड ही है ये। तो एक मैंने ये ऑप्शन निकाला है, अब आप बताइए क्या पहनूँ। इसके कानों के बहुत सुंदर है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, अभी दिखाती हूँ मैं इसके कानों के, बहुत सुंदर है। इसके कानों के ना उस टाइप के हैं, वो जो ऐसे ये वाले हैं इसके कानों के, हाँ इसमें ऐसे जो है वो ऐसा, ये झुमका स्टार्ट होता है यहाँ से और इस टाइप से जो है इसमें यहाँ पे कनौती लगी हुई है। ये ऐसे ही आया था, कंप्लीट सेट जो है वो ऐसा ही आया था, ठीक है। तो ये है ही ऐसा ही है, ये मुझे अच्छा लगता है इसका कानों का, लेकिन बहुत वेटेड है। मैं आपको बता रही, मैंने एनिवर्सरी में से पहना और पहने पहने मेरे कान लाल हो गए मेरी जो देवरानी है उसे कह रही है दीदी आपके कान लाल हो गए, मैं कहा हाँ देख तो रही हूँ मैं भी। तो इसके कान ना बहुत मेरे लाल हो जाते हैं इसको पहनने से। इस तरीके के एक दो और हैं, उनसे भी मेरे कान बहुत लाल होते हैं। तो बताइए क्या पहनूंगी मैं, साड़ी तो मैं यही पहनने वाली, तो इसमें तो कोई परिवर्तन होने से रहा नहीं, ठीक। हाँ अब आगे बताइए आप, आर्टिफिशियल वाला पहन लो, पहन लो आप, कुछ भी पहन लेते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है वो तो ठीक है, ये तो बच के भागने वाला तरीका हो गया। हाँ फिर भी बताइए। अभी आर्टिफिशियल वाला पहनो। हाँ इसको तो पहन के, हाँ इसको तो मैं पहन चुकी हूँ। चलिए मेरा मन ना इसी को पहनने का बहुत था मैं आप लोगों के साथ फोटो भी शेयर कर दूँगी। सो मेरा मन इसको पहनने का बहुत था कि मैं चाह रही थी कि मैं इसको पहनूँ, तो हस्बैंड ने फिलहाल कह दिया, मैंने वो जल्दी बोलते नहीं है, कह दिया तो मज़ा आ रहा है, मैं यही वाला सेट जो है पहनने वाली हूँ, तो मैं ये पहनूंगी, ये इतना सेट जो है वो पहनूंगी, तो उसको निकालने में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर मुझे निकालने में दिक्कत हो जाती। तो नथ तो मैं अपनी पहनूंगी पहनूंगी, और मंगलसूत्र मेरा ये है, तो सबने देखा ही हुआ है, मैंने कलेक्शन शेयर किया हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो मंगलसूत्र मैं ये पहनूंगी, बकाये की ड्रेस मेरी ये हो ही गई है फाइनल, और ये सब तैयारी मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी एक दिन पहले अपनी तैयारी कर लें। आप करवा चौथ के लिए जो भी पहन रहे हैं, उनके ब्लाउज़ वगैरह या लहंगा जो भी पहन रहे हैं, जो भी कैरी कर रहे हैं ड्रेस, आप उसे एक बार अच्छे से जो है वो चेक कर लें। और मॉर्निंग में मैं क्या पहनूंगी, मॉर्निंग में पहनूंगी सूट, जो सगुन जी ने मुझे सूट दिया था वो सूट मैं सुबह में पहनूंगी, वो मेरे लिए नया है, तो थोड़ा सा व्रत मैंने सगुन जी के लिए भी रखा है ना, करवा चौथ का, मैं बोला उनके लिए भी रखना तो भगवान सगुन जी की भी लंबी उम्र करे। तो वो सुबह में वाला सूट पहनूंगी, और दिन में शाम को जब मैं पूजा करूंगी तो ये पहनूंगी। अब यहाँ हम चलते हैं, तो मेकअप में क्या है, तो मेकअप में मैंने कई सारे शेड्स की जो है नेल पेंट निकाल दी है, ये वाली वैसे मेरी ड्रेस से मैच कर रही है, बट कभी कभी मैं क्या करती हूँ, दो तीन शेड ले लेती हूँ, उनको थोड़ा थोड़ा मिला के जो है मिक्स कर लेती हूँ,
प्लेट में या कटोरी में मिक्स करके फिर लगाती हूँ, बहुत बढ़िया सा शेड बन जाता है। सो ऑलमोस्ट टाइम मैं नेल पेंट ऐसे ही लगाती हूँ, कभी भी कोई एक सिंगल सेट नहीं लगाती, दो तीन सेट को मिक्स करके एकदम खिचड़ी बना देती हूँ फिर लगाती हूँ। सो मेकअप थोड़ा बहुत मैंने शुगर का मेकअप लिया है, बिल्कुल लाइट सा कुछ मेकअप खरीदा था मेरे पास, ख़त्म होने वाला था। सो ये मेरा मेकअप है, आई शेडो में बहुत लाइट सा लगाती हूँ वो लगाऊंगी। ये मिरर है, मॉइस्चराइजर निकाल दिया है, ये ग्लिटर निकाल दिया है, सनस्क्रीन निकाल दी है, मैक का कॉम्पैक्ट है, मैक की रूबी वो लिपस्टिक निकाल दी है, ये मैंने मेबलिन की लिपस्टिक निकाल दी है, और शुगर की मैंने बीबी क्रीम भी निकाल दी है, देखूंगी क्या लगाऊंगी। और ये मेबलिन का फेस कंटूर है, ये एब्सोल्यूट का जो है वो हाइलाइटर निकाल दिया है मैंने, वहाँ पे मेबलिन का जो है वो प्राइमर रखा हुआ है, कामा का स्क्रब भी निकाल दिया है। सो मेकअप करने से पहले स्किन को अच्छे से क्लीन ज़रूर कर लें, आप एक बार स्क्रब ज़रूर कर लें और क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र कर लीजिए, उसके बाद आप मेकअप करिए, बहुत ही फ्लॉलेस मेकअप आपका होता है। नेल पेंट रिमूवर है, ये लिप बाम है, ये कामा का बॉडी ऑयल है, इसको मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, वहाँ पे वाइप्स रखी हुई हैं, रोज़ वाटर है, कुछ मेकअप ब्रश निकाल दिए हैं, अब बिंदी का मैंने निकाल दिया है पूरा बैग। सो दोस्तों ये मैंने करवा चौथ की तैयारी कर दी, बकाया की पूजा की थाली मैंने लगा के मंदिर वाले कमरे में इसी समय सेट कर दी है, ताकि कल मैं व्रत में मुझे कोई ज़्यादा झंझट ना करनी पड़े, ना मैं परेशान हूँ। सो दोस्तों ये तो मेरी तैयारियाँ हैं, आपकी क्या क्या तैयारियाँ हो गई हैं, क्या क्या हो रही हैं, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।